वही नहीं, बीवी कहीं भी जाए, लेकिन मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज भी है। आहत का सरप्राइज बहुत ही कोई ठंडा था, बट मेरे पास तुम लोगों के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो सब लोग? ठीक हो? अच्छे हो? आई होप सब लोग ठीक हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं अब आगे इस व्लॉग में अच्छी रहूँगी। खैर, बाकी बातें बाद में करेंगे। यार तुम लोग सोच रहे हो कि वलू का मूड क्यों इतना खराब है, तो एक्चुअल में हुआ है कि लाइक मुर्तसिम जो है उसको पता नहीं 2 दिन से क्या हो गया है। मतलब वो रात को जो 2 बजे 3 बजे रोना शुरू करता है तो वो सुबह तक रोता रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट में तकलीफ नहीं होती, लाइक पूरी बॉडी का मसाज कर दो कहीं उसको कोई मसला नहीं होता, बट वो फिर भी रो रहा होता है। अगर तुम लोगों में से किसी को पता ऐसा क्यों होता है, प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज आई कॉन्ट फिगर इट आउट। मैं उसको कितना भी बोल लूँ, वो बच्चा इतना रोता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीक ऐसा आता है महीने में, अभी माशाल्लाह से 1.5 महीने का है, तो जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है कि पूरे दिनों में कोई 2-3 दिन ऐसे आते हैं कि वो बहुत रोता है। मुझे नहीं पता ऐसा वो क्यों करता है, बट वो करता है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा रोता है। ज़्यादा रोने की वजह से उसको नज़ला और बढ़ जाता है। और मुर्तसिम भाई लाइक अपने बेड में नहीं लेटता, अपने कैरी कोट में नहीं लेटता, लाइक बस वो मुझे बोलता है कि मुझे अपने पास लिटा के रखो। उसके बाबा अगर उसको ले लें तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, कोई भी उसको घर में ले रहा तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है। बस वो बच्चे ऐसे होते हैं शायद, आई डोंट नो, बिकॉज़ मेरा पहला बच्चा है तो मैं मुझे नहीं पता। खैर, आज हम करेंगे अपने घर वालों को, मतलब बताऊंगी, क्योंकि लाइक अभी तक मैंने ना ही तो इलेन को दिखाया अपना हेयर कट, ना ही आहत को दिखाया। लाइक मैं डरी भी इतना थी कि पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। आहत का जो रिएक्शन है मैं बाद में लूँगी, बट पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं इलेन को दिखाऊँ। अगर इलेन ने पास आउट कर दिया तो माई बी यहाँ इतना गर्म ना हो, बट आहत जहाँ तो ही नेवर नो हूँ। तो चलो, तो फिर ऐसा करते हैं कि अभी तो आहत सो रहा है, आहत को तो मैंने सोचा कि नाश्ता वाश्ता देके पहले उसको मक्खन लगाऊंगी, फिर उसके जो है ना जला दूंगी उसको। नाइस, मैंने बाल कटवा लिए। लेट्स सी, पहले इलेन को दिखाते हैं। जब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। यार तुम लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, तुम लोगों को पता है ना मैं कितनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, उसको फिर एडिट करने में कितनी मेहनत लगती है। एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि सारे बच्चे ऐसे करते हैं या फिर मैंने कोई अनोखा बच्चा दिया। प्लीज़ डू लाइक। उठ, क्या हर वक्त मुंह पे कैमरा लेके खड़ी रहती हो यार? उठ खाई हो, लाइट भी खोल दी यार, खड़ी हो। ब्रो क्या क्या ये, व्हाट इज दिस? व्हाट बॉय कटवाया तुमने? मेरी शक्ल बहुत बुरी आ रही है, प्लीज मेरी बात सुनाओ। किससे? अरे सड़ी भी लग रही हो, बकवास। तुम अपने बड़े बालों में इतनी अच्छी लगती, मेरे पास नहीं है मुझसे पूछो। क्या मतलब ज़्यादा कट गए? ज़्यादा तो कट गए, बट लाइक यू डोंट लुक गुड इन दिस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम्हारे जो प्रॉपर तुम्हारे बाल हैं, यू लुक गुड ऑन दैट। बट इट लुक गुड ऑन मी? आई डोंट थिंक सो। नो, एवरीबॉडी सॉ मी एंड सब बोल रहे थे तुम बस कर रहे हो। चल झूठा, सब पागल है, सब जो है वो खाएंगे, तुम भी खाओगी। नो एलन, इट लुक गुड, डोंट बी लाइक, आई डोंट थिंक सो ब्रो, इट्स लुक गुड ऑन यू। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक हां सही है, ठीक लग रहे हैं, बट इट्स नॉट लुक गुड ऑन यू। Honestly, I'm telling you, तुम अपने बिल्कुल प्रॉपर लंबे बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो मैंने बालों की लेंथ थोड़ी कम करवाई है। Even though it's not about the length, yeah, देखो लेंथ बिल्कुल सेम है, उधर की उधर ही है। अब आपको तसल्ली तो दे रही हूँ ये बात बोल के। I know that, तेरा भी मन अजीब हो गया है। Look at the... Do you mean by that? Let me see myself first.
नो आई लुक गुड, अब मैं थोड़ी सी लड़की लड़की लग रही हूँ. कुछ भी नहीं लग रही आप पागल भागी हुई मेंटल असाइलम से लड़की लग रही हो. आई डोंट लाइक इट, आई स्वेयर. डू आई एवर लाइक द ब्यूटी ऑन योर हेयर कट्स ब्रो? इट्स तुम्हें पता था मेरे जब नेचुरल बाल, तुम्हें पता था मैंने किसी एक थी एक जाहिल की बच्ची, उसने मेरे बाल उड़ा था. डू यू रिमेम्बर? ओके 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 फाइन फाइन. हाँ, तो उसकी वजह से मेरे बालों के आज ये हाल है. तो प्लीज ब्रो. बट आई लुक गुड मे बी, बट बात वो नहीं, मतलब मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं. अरेन का रिएक्शन तो इतना ज़्यादा कोई ड्रामा था, आपको बताने का दिल ही नहीं करा. बट आई हैव टू टेल हिम, वरना अगर उसने कभी नोटिस कर लिया तो वो नाराज़ हो जाएगा. तो अभी हम ये करते हैं, मैं फिर नीचे जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है. मुझे तुम की बेबी विक्स नहीं है, पता नहीं किधर चली गई, उस रात घूम घूम हो गई, मैं वो लेकर आती हूँ. और दूसरी चीज़ ये कि जो है ना, हमें कुछ सामान लाना है लाइक डबल रोटी वगैरह. चलो लेके आते हैं. तो ये मैंने हाथ का नाश्ता तो तैयार कर लिया, लेकिन अब जो मैं नाश्ता लेके जाऊँगी ना, हाथ को जब भी भरोसा ही हो जाएगा कि इसने कोई ना कोई कांड किया, तभी सुबह सुबह बिना बात के नाश्ता दे दिए. शाहजान खैरियत है? आज सुबह सुबह मुझे नाश्ता दे दिया तुमने, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं आज तुमने मुझसे नाश्ता नहीं बनवाया. तुम ये कह रहे हो मैं तुमसे नाश्ता बनवाती हूँ हमेशा, कभी नाश्ता नहीं देती. नहीं देती हो, मुझे अच्छा लगता है कि तुम खुद ऐसे नाश्ता. ये नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें एक हार्ट अटैक भी दूंगी. ओके, अच्छे से खा लो. मैं सच कह रही हूँ, बस मैंने एक सरप्राइज है, बहुत अच्छा मज़ेदार सा. क्यों? बस देती हूँ ना, ठीक है? और तसम बोलने लगा? नहीं, चलने लगा. रात को उसी ने तुम्हारा गला दबाया था. अच्छा? हाँ, चक्की बन के चाकू लेके फिरेगा किसी दिन. तुम लड़ रहे हो उसके साथ? आज कभी मेरे ऊपर भी ध्यान दे लेगा? जब से बच्चा हुआ तुम तो मुझे भूल ही गए हो. ये तुम्हारा ही छोटा ओरिजिन है ना. क्या मतलब? ध्यान दे रहा हूँ मतलब तुम पे ध्यान दे रहा हूँ. अच्छा, सब बोलते हैं कि मुर्तसिम क्या करा तुमने? नहीं तंग करो, हाथ लेटा हुआ है सब कुछ. मुर्तसिम के मुंह पे कोई हाथ ना लगा, उसको मुझ पे भी ध्यान दे लो. क्या? फुप्पो के घर गई थी. हाँ हाँ हाँ, जान बोलो क्या हुआ है? बाल कैसे कटवा दिए यार? कहाँ से कटवाया? क्या मतलब कहाँ से कटवाया? तुम्हें दिख नहीं रहा ये कटवाए कहाँ से हैं? ये देखो ना, पहले बाल मेरे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थे ना, तुम्हें ये लेयर्स नहीं दिख रहे? मैं डर गया यार, मैंने बोले छोटे करवा दिए. कोई तशी है? इतना ठंडा रिएक्शन. आहत, मैं डर गया, मैंने बोले शायद छोटे करवाए, ऐसी कटिंग करवानी है तो रोज करवा दिया करो. खैर, ओ माय गॉड. ऐसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने फुप्पो को कहा था कि ज्यादा उड़ा दो बाल, कटने के बाद थोड़ी वापस जुड़ सकते हैं. तो फुप्पो ने बोला क्या हाथ आपकी ये शक्ल नहीं उड़ा देता मैं. फुप्पो ने बोला हाथ पहले खुद गंजा होगा, फिर मुझे बोलेगा फुप्पो अब तुम्हारी बारी आ जाओ. मैं भूल चुका हूं, जा तुम्हारे बाल कटे, मैं मेरे सर के बाल गायब. बिल्कुल टकला मुर्तसिम और मैं एक जैसे टकले टकले बन के रहेंगे. अच्छा गाइस, मैं तुम लोगों को ना भी एक बात बताती हूँ. ठंडा रिएक्शन दिया, मेरे को भरोसा नहीं था. ऐसा ना बेटे के साथ खेलता है ना, खुश खुश रहता है अब तो.
परवाह ही नहीं, बीवी कहीं भी जाए, लेकिन मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज भी है। आहत का सरप्राइज बहुत ही कोई ठंडा था, बट मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा है बात है। लाइक पहले मैं सोची थी, मैं इतने टाइम से इस चीज़ पे काम कर रही थी, लोगों को लगता है कि अगर आप हाउस वाइफ और आप घर संभालते तो अपने बाकी सपनों पे काम नहीं कर सकते, बट ऐसा तो नहीं होता। हाँ, कुछ औरतें नहीं कर पाती बिकॉज सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी मुश्किलात होती हैं, और बच्चे के साथ तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि आप नहीं कर पाते हो अक्सर। जैसे कि आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर हो, आप बच्चा है, मतलब चलो कोई फूफो ले गए, चाचा ले गया, ताई ले गई, तो ऐसे वो बैलेंस हो जाता है, मम्मा को थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अभी जैसे कि मैं अभी अपनी फूफो के घर गई थी, वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई जॉइंट फैमिली में कितना वो होता है कि जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। बट अगर आप मुझे ये चीज़, मैं इतने टाइम से इस चीज़ पर काम कर रही हूँ, मेरी जब शादी हुई थी मैंने आहत को तब कहा था कि आज मुझे ये चीज़ करनी है, और आहत मुझे बोलता था आई नो तुम कर लोगी, तुम कर लोगी, कुछ टाइम लगेगा बट तुम कर लोगी। मेरे पास इतना अच्छा सरप्राइज़ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, ठीक है गाइज, बट एक दिन में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं तुम लोगों को बताऊँगी, और वो सरप्राइज़ आई होप तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट माई मैन टू प्राउड ऑन मी, मैं चाहती हूँ कि आहत मुझे प्राउड हो कि लाइक मेरे बाकी, मैं वैसी हाउसवाइफ नहीं बनी कि नहीं भाई मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो बच्चे में इतनी तंग हूँ। नहीं, आप अपने बच्चे के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी साथ लेके चल सकते हो। जब मैं सेपरेट रहना मैंने स्टार्ट किया था तो सब मुझे बोलते थे एक बार बच्चा हो जाएगा तो कैसे रहोगी, पता चलेगा बच्चे में पागल हो जाओगी, घर में पागल हो जाओगी। नहीं, अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है वो हो सकता है, अगर कोई भी लड़का या कोई भी ऐसे, अगर आप मैरिड हो और आपकी वाइफ है तो प्लीज़ डू सपोर्ट हर। अगर आप इन लॉज के साथ भी रहते हो तो डू सपोर्ट हर, ठीक है ना। माय हस्बैंड ऑलवेज सपोर्ट ऑन मी, ठीक है। हाँ, ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों में मुझे सपोर्ट करता है। मुझे याद है लाइक अब से ऑलमोस्ट साल पहले मैंने पहली जो चीज़ की थी वो मैंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया था, तो उसमें सबने मुझे कहा था कि नहीं कर पाओगी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट आहत ने मुझे उस पर इतना सपोर्ट किया था, इतना सपोर्ट किया था, और माशाल्लाह से लाइक जो मेरे फॉलोवर्स थे उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट दी थी, और अब जो मैं करने वाली हूँ आई होप तुम लोगों को भी वो बहुत पसंद आएगा, ठीक है ना। चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होती हैं, इन लॉज के साथ रहना ना रहना, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, उससे अगला व्लॉग में लाजमी बताऊँगी कि ऐसा क्या सरप्राइज है जिस पर मैं ऑलमोस्ट हर में कितने टाइम से इस चीज पर काम कर रही हूँ। मेरा मियाँ कोई नशे नहीं करता बट वो फिर भी 24 घंटे टून रहता है। नहीं, मैं अपना वो जो मैं अपना जिस सरप्राइज पे काम कर रही हूँ उसका पूछ रही हूँ। बुरा नहीं मानना, कभी कभी हो जाता है, आशी शराबी बन जाता है हर। मैं पूछ रही हूँ किस चीज़ पर जो मैं करने वाली हूँ उस पर कब से काम करूँ, 2 दिन के बच्चे, 1 साल 14 महीने, 1 साल। ये मेरी शादी की डेट बता रहा है, तौबा तौबा, शादी की डेट को भी 1 साल और अभी 11 महीने हुए। तो वा खैर, हाँ तो मार्च में 2 साल होंगे ना, 11 महीने से कम। अच्छा हाँ, तब देखो पिछले रमजान में ये 11 महीने का नहीं है, पागल है, तो 2 महीने का है, तो 2 महीने का है ना। हाँ तो 11 महीने का है टोटल हिसाब ला। 1 सेकंड, तुम वो 10 महीने भी लगा रहे हो इस हिसाब से। फिर आज तुम कितने साल के हुए अभी, 25 साल के हो तुम, और मैं 19 साल, 18 साल, कितने साल के हो, 18 साल। एक लड़की ने कमेंट किया कि कितना झूठ बोलता है, 30 साल का तो शक्ल से ही लगता है। मैं यार 18 साल का हूँ, क्या हो गया। Hey, guys, अब ना मामला सीरियस हो रहा है, तो इसी कारण हम लोग को करें यही पे एंड। आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, और इंशाल्लाह 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 मैं कल या परसों तुम लोगों को लाजमी बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या कर रही थी इतने दिनों से। तो अगर जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और थैंक यू सो मच फॉर लाइक 5K सब्सक्राइबर।
बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ईद से पहले 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, ओके? और तो तौबा कर, खुद भी तो 10,000 बोलते था, मुझे लोगों के सामने लालची दिखाना चाहता है। अगर करना है तो मतलब बोलते हैं कि अगर कुछ मांगो तो अच्छा बड़ा मांगो। बड़ा ही तो मांगा था, ये देखो पूरा पठान है मेरी जिंदगी। 10,000 बोल रही हो, ईद तक बोलो 50,000 तो हो जाए। ये दिखाओ जरा, क्या ओ, इसके हाथ, इसके पाँव ना तुम्हारे जैसे। यार इसको ना बोलू इसके नेल्स काटने पड़ेंगे। पता नहीं एक एक हफ्ते में इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ा लेता है। क्या बोल रही है? पहले वो नहीं रहा वो टेंशन का, ये बुराई कर रहा है। तड़ी खबर में को ये भी बोल, तड़ी खबर बना गाइस। ये बाप बेटे मेरी बुराई ऐसी करते रहेंगे, जब तक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, कमेंट में कुछ भी चलेगा, हाथ की बुराई भी चलेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।